हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं PHE 9 ऑप्टिक्स, जिसका हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, लोअर क्लासेस में आपको इस फिनोमिना के बारे में तो पता ही होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, अगर वो बेंड हो जाती है एट अ सर्टेन एंगल, देन इट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है टू द नॉर्मल टू द सर्फेस, चाहे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी एंटर करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट मतलब कि बाउंड रीबैक मतलब रीबाउंड हो जाती है, वापस उसी सरफेस से वापस मुड़ जाती है, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन हो गया है कि लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है। लेकिन अगर वो किसी भी एंगल से बेंड होती है तो एक सर्टेन एंगल से, तो उसे हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्ट हो गई है लाइट। तो ऐसा ही फिनोमिना जैसे कि रेनबो में आप देखते हैं, ये फिनोमिना आपको मिलते हैं और आप फिजिक्स में लोअर क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये हमारा खैर टॉपिक स्टडी का नहीं है, हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये पता कर लें कि हमने अभी तक क्या सीखा है। हमने सीखा है कि जो लाइट है इसकी कोई पर्टिकुलर स्पीड होती है, जिस पर्टिकुलर स्पीड के थ्रू वो ट्रेवल करती है। एक और हमें पता चला है कि जब भी लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, उस टाइम उस लाइट की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज कर जाती है, और अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ये हमने अभी तक सीखा। आज हम फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। दो मीडियम सेपरेट करने वाला जो इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब उन दोनों का जो ज्वाइनिंग फेस है, वहां उस टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर क्या होगा, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बाउंड्री मतलब कि जो उन दोनों मीडियम की जो बाउंड्री है उसके बिटवीन वो इंसिडेंट होती है, वो लाइट फॉल करती है। जैसे कि हम इस डायग्राम में आपको दिखाएं, इसमें आप इस डायग्राम में दो मीडियम बताए गए हैं, दोनों मीडियम सपोज कीजिए एक है मीडियम वन और दूसरा है, ये है मीडियम वन और ये है मीडियम टू। अब इसके इंटरफेस पे मतलब कि हमें अभी बाउंड्री कंडीशंस फाइंड करनी है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर, जैसे कि यहाँ पे इंसिडेंट लाइट दिखाई गई है, रिफ्लेक्टेड भी दिखाई गई है, ट्रांसमिट लाइट दिखाई गई, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जब कपल्ड होंगे तो उस टाइम लाइट का बिहेवियर क्या होगा, किस टाइम, जब जो लाइट है किन्हीं दो मीडियम के इंटरफेस के बिटवीन होगी। तो उस टाइम हम ये मान के चलेंगे कि अगर ऐसा है, ऐसी कंडीशन है, इंसिडेंट हो रही है लाइट बिटवीन इंसिडेंट ऑन अ बाउंड्री बिटवीन टू लीनियर मीडिया, तो उस टाइम डी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। डी इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो है इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि दोनों की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात करेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंडक्शन, एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों जो चीजें हैं इनमें से ये दोनों चीजें इसमें होनी चाहिए अगर हम ये कंडीशन मान के चल रहे हैं। अब बात करते हैं, कंसीडर लाइट पासिंग थ्रू वन मीडियम टू टू सेकेंड मीडियम। अब ये जो मीडियम वन एंड मीडियम टू हमने कंसीडर करा है, इसमें मीडियम वन लेकर चल रहे हैं हम एयर एंड मीडियम टू लेकर चल रहे हैं ग्लास, मतलब जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होगी, इंसिडेंट जो लाइट है वो कैसे पास करेगी फ्रॉम द रेयर मीडियम मतलब कि एयर मीडियम से डेंसर मीडियम, कौन सा, जो ग्लास मीडियम है उसमें पास करेगी। तो ऐसा है तो उसमें हम एक और चीज एज्यूम करने वाले हैं कि एक्सप्रेशन हम तब फाइंड करेंगे अगर उसमें ये मान के चलें कि देयर आर नो फ्री चार्जेस,
उनमें कोई फ्री चार्जेस नहीं है, फ्री चार्जेस मूव नहीं कर रहे तो इसका मतलब उन मटेरियल में करंट नहीं है। देन प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, इन दोनों मीडियम से क्या है जिसकी परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी दोनों वैल्यूज, फर्स्ट के लिए एप्सिलन वन म्यू वन है, दूसरे के लिए एप्सिलन टू म्यू टू है। मीडियम टू विच हैज परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज। अब इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव ट्रेवलिंग टू द राइट मीडियम, मतलब कि पहले जो लाइट है वो मीडियम वन में एंटर करेगी, आप अपनी डायग्राम में देखिए, मीडियम वन में एंटर करेगी विच इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस, कौन सा दोनों मीडियम का जो इंटरफेस है उसमें नॉर्मल टू द बाउंड्री, अब नॉर्मली एंटर करेगी। इन दिस केस ऑफ द वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जो लाइट है इट वुड बी रिफ्लेक्टेड बैक, जब जो लाइट है वो एंटर करी है, इंसिडेंट करी है, अब उसे रिफ्लेक्ट होना है, एक्सपेक्टेड अ रिफ्लेक्टेड वेव प्रोपेगेटिंग बैक टू द मीडियम, एंड या फिर वो रिफ्लेक्ट होगी या फिर वो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाएगी। मतलब हम दो कंडीशंस मान के चलेंगे कि या तो लाइट दूसरे मीडियम में पास आउट हो जाएगी, मतलब हम किस फिनोमिना की बात कर रहे हैं, हम रिफ्रैक्टेड फिनोमिना की बात कर रहे हैं, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो लाइट है वो दूसरे मीडियम से पास करने के बजाय रीबैक, मतलब कि उसी डायरेक्शन, मतलब उसी इंटरफेस पे, उसी सरफेस के थ्रू वो वापस मुड़ जाएगी, मतलब कि वहां पे हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो दो केस हैं, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। अब इनको समझने के लिए ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सभी टर्म में, इन सभी टर्म्स के अकॉर्डिंग, इन सभी फिनोमिना के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव करेगा, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में पढ़ने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस, क्योंकि जो टॉपिक है उसमें भी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, इंटरफेस फेस बिटवीन टू मीडिया, तो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे। और बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक एक्सप्रेशन बनाना होगा फॉर द फील्ड एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्टेड एज वेल एज रिफ्रैक्टेड वेव, और किस फॉर्म में, एसोसिएटेड विद द इंसिडेंट वेव, क्योंकि इंसिडेंट वेव की ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि रिफ्रैक्ट हो रही है वो हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशंस में आ जाते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने मैक्सवेल इक्वेशंस फाइंड करी थी, डिराइव करी थी, उनका इस बाउंड्री कंडीशन एक्सप्रेशन में हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट लेके चलेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशंस हमने चारों की चारों लिखी हैं, इसमें चारों की चारों इक्वेशन लिखने के बाद हम ये मान के चलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेट करेगा या तो पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब मैग्नेटिक फील्ड भी, इसके लिए भी यही हम मान के चलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड या तो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करेगा या फिर पैरेलल ऑसिलेट करेगा टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो दोनों के लिए दो दो ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी और पैरेलल भी। अब मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर भी ऑसिलेट कर सकता है और परपेंडिकुलर भी ऑसिलेट कर सकता है। अब इन दोनों कंडीशंस, दोनों फील्ड के लिए दो दो कंडीशंस को मान के चलेंगे। अब हम मान के चलते हैं, लेट अस कंसीडर द कंपोनेंट, बोथ कंपोनेंट आर नॉर्मल। सबसे पहले हम परपेंडिकुलर जो केस है वो मान के चलते कि दोनों ही हैं जो वो परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि नॉर्मल है टू द बाउंड्री। अब इसके लिए हम सबसे पहले मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन लेके चलेंगे। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एप्सिलॉन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो। अब मीडियम दो है, फर्स्ट मीडियम के लिए भी लिखेंगे, सेकंड मीडियम के लिए भी लिखेंगे। इक्वेशन ई एप्सिलॉन वन ई वन डॉट डी एस प्लस एप्सिलॉन टू ई डॉट डी एस, या फिर इनमें प्लस की बजाय माइनस होगा। अब ये प्लस माइनस क्या है, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस फेस सेटिस्फाई दिस कंडीशन, मतलब पैरेलल के लिए प्लस, परपेंडिकुलर के लिए नेगेटिव, क्योंकि हम नेगेटिव की सॉरी परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो हम ये कंडीशन लेके चलेंगे। हमने लिख लिए कंडीशन, इसमें सिर्फ हमने क्या लिखा, इसे सॉल्व करा और हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर एप्सिलॉन वन
E1 के साथ परपेंडिकुलर का साइन लगाया ताकि हमें ये श्योर हो जाए कि जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं वो परपेंडिकुलर का है या फिर पैरेलल का है। ये एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए परपेंडिकुलर का है, ऐसे ही सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होगा। B1 परपेंडिकुलर माइनस B2 परपेंडिकुलर इक्वल्स टू जीरो, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम लेके चल रहे हैं, कंसिडर कॉम्पोनेंट ऑफ टू फील्ड आर पैरेलल। पहला केस क्या था? परपेंडिकुलर। अब लेके चलेंगे जब वो दोनों फील्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल टू द इंसिडेंस वेव। अब पैरेलल है तो हम कौन सी इक्वेशन लेंगे? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले ली, सेकंड इक्वेशन यूज करके हमने ये इक्वेशन बना दी, अब थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन यूज करके वो इक्वेशन क्या थी, अगर आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये थी मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, इसी को हम यूज करेंगे। इसी एक्सप्रेशन को हमने दोबारा लिखा, इसे यूज करेंगे और अप्लाई करेंगे टू अ थिन एम्पियरियन लूप अक्रॉस द सरफेस। तो उसके लिए क्या होगा, हम इक्वेशन लिखेंगे E1 I - E2 I विच इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ B.ds। अब इस B.ds का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, प्लस टू में हम पढ़ चुके हैं, तो इसी को हम लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में, दैट इज फाई बी। एंड इसमें अब कॉमन आई कॉमन है तो कॉमन लिख दिया। अब ये हमें पता है कि विड्थ ऑफ लूप इज डिक्रीजिंग। अब जो लूप हम मान के चल रहे हैं, दिस इज एम्पियरियन लूप, अब इसकी विड्थ एस टाइम पासिस वो विड्थ जो है वो डिक्रीज करेगी। विड्थ ऑफ लूप वुड बी डिक्रीजेस, अगर वो डिक्रीज कर रही है तो वो किस पे डिपेंड करती है? अगर विड्थ ही डिक्रीज होगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब कि फाई बी जो कंपोनेंट है इट वुड बी वैनिश। अगर ये वैनिश हो रहा है तो इसका मतलब ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। अगर ये टर्म जीरो तो मतलब कि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड टर्म जीरो और लेफ्ट हैंड साइड हमने ऐसे ही लिखी और राइट हैंड साइड जीरो। अब इसको लिखने के लिए हमने क्या करा, इसे हमें ताकि हमें देख के इजी समझ आ जाए तो हमें हमने क्या करा, इसे पैरेलल साइन के साथ लिखा है। पहले हमने परपेंडिकुलर साइन के साथ लिखा था, अब हमने पैरेलल साइन के साथ लिखा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसी तरह हम लिखेंगे इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो पैरेलली ऑसिलेट करेगा उसके लिए हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 4। मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 4 यूज करके हमने ये इक्वेशन बना दी। अब इसको भी हम किसे कैसे लिखेंगे? पैरेलल साइन डाल के। जस्ट जैसे ही B.di इट इज रिटन एज B1 पैरेलल, मतलब यहाँ पे एक मीडियम की बात कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम, तो दोनों मीडियम के लिए लिखा है, ऐसे ही ये लिखा है। तो हमारे पास चार मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करके चार इक्वेशंस आई। पहली दो इक्वेशन हमने यूज करी जब परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं दोनों फील्ड्स, दूसरी दो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, मतलब के टोटल चार इक्वेशंस को यूज करके नेक्स्ट चार इक्वेशंस बनाई, दो बनाई परपेंडिकुलर के लिए, दो बना दी हमने पैरेलल इक्वेशन के लिए। तो पैरेलल ऑसिलेट जब करते हैं दोनों फील्ड्स, तो हमारे पास अब आठ इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस की। नॉर्मल इंसिडेंस, एक्चुअली ये टॉपिक अभी हम भी खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होता है वो है नॉर्मल इंसिडेंस। अब इसके लिए हम प्लेन मान के चलेंगे, इंसिडेंस प्लेन, दैट इज YZ प्लेन। YZ प्लेन, वहां पे X कॉम्पोनेंट इज जीरो। इट फॉर्म्स इंटरफेस ऑफ टू ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडिया विद रिफ्रेक्टिव इंडिसेस N1 एंड N2। अब यही जो पहले हमने मीडियम लिए थे वही हम यहाँ पे दो मीडिया लेके चल रहे हैं। इन द YZ प्लेन मीडियम वन एंड मीडियम टू, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है N1 एंड दूसरे के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है N2। ठीक है, अब ये साइनोसॉइडल प्लेन है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी, विच इज ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, वो ऐसे ऑसिलेट करेगी अलोंग द एक्स एक्सिस। एंड वो कहां से इंसिडेंट होगी? फ्रॉम द लेफ्ट इंसिडेंस होगी, जाएगी टू द राइट हैंड साइड। अब बात करें अगर एनर्जी, द एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट डिपेंड्स अपॉन N1 एंड N2 वैल्यू, दैट इज रिफ्रेक्टिव इंडिसेस। मतलब यहां पे हमने केस लिया जो कि YZ प्लेन हमने लिया नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, जिसमें हमने बात करी कि जो वेव है वो फ्रॉम द लेफ्ट वो अलोंग द एक्स एक्सिस वो क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी वो वेव, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जब वो मीडियम वन में है उस टाइम उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा N1, अगर वो दूसरी तरफ है मीडियम टू में तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा N2।
और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको तीनों इंसिडेंस, रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांसमिटेड वेव तीनों ही दिखाई गई हैं। और अगर हम बात करें एप्रोप्रिएट मैग्नेटिक फील्ड टू बी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों फील्ड्स आपस में कैसे एसोसिएटेड हैं, तो हमें ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। दिस इज ऑल्सो मैक्सवेल इक्वेशन, हमने यूनिट वन में हमने ये डिराइव करी थी, इसलिए हमने यहाँ पे इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है। अब हम ये मान के चले, हम ये पहले भी मान के चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्मल इंसिडेंस है वो इट इज अलोंग द वाई जेड प्लेन। अब इन दोनों में अगर इन दोनों फील्ड्स को सेपरेटली देखें तो सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके दूसरे डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के लिए लिखिए इंसिडेंस वेव ऑफ विद इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी विच इज गिवन बाय E नॉट T J कैप, क्योंकि इट इज अलोंग Y एक्सिस Y डायरेक्शन। तो J कैप एक्सपोनेंशियल फंक्शन I ओयोटा K, दिस इज K I इंसिडेंस, इंसिडेंट कॉन्स्टेंट है K I X माइनस ओमेगा T। एक्चुअली जो इक्वेशन है वो वही है E नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा T। के एक्स माइनस ओमेगा T को थोड़ा हमने इस तरह से लिखा क्योंकि हम यहाँ पे इंसिडेंस वेव की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंसिडेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे जिसमें हम इसकी फ्रीक्वेंसी एड करेंगे क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड होगी विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग जेड एक्सिस। अगर ये जे यूनिट कैप के साथ लिखेंगे मतलब कि वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे के एक्सिस के अलोंग, के यूनिट वेक्टर के अलोंग। तो बाकी सारी जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही रहेगी, लेकिन इसमें एक कंपोनेंट यूज होगा जो इसमें फ्रीक्वेंसी टर्म ऐड हो जाएगी और जे कैप की बजाय हम यहाँ पे के कैप लिखेंगे। तो ये तो आ गई इंसिडेंस। अब बात करेंगे रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। रिफ्लेक्टेड वेव के लिए इन इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो वेव जो होगी वो अपने फर्स्ट मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी, वो फर्स्ट मीडियम में आ जाएगी। तो वहां पे अगर फर्स्ट मीडियम में आ जाएगी, अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, सपोज कीजिए कि लाइट यहां से गई क्योंकि हम यही सपोज कर रहे हैं, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस गई, वापस गई तो ये कौन सा, ये पाथ कौन सा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट्स होंगे उसमें नेगेटिव साइन ऐड होगा, बाकी सारी टर्म सेम रहेगी। यहाँ पे इंसिडेंस की बजाय हम यहाँ पे क्या रह रहे हैं, आर टर्म, दैट इज रिफ्लेक्टेड टर्म, ओके। बट जो कॉन्स्टेंट टर्म के है इट वुड रिमेन द सेम एज इंसिडेंट, सिर्फ नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन जो मैग्नीट्यूड के आगे लगा रहे हैं उसका मतलब क्या है, मैंने सेपरेट भी लिखा है। जो इक्वेशन जो नेगेटिव साइन है इट इंडिकेट्स दैट प्रोपेगेशन अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, जो हमने अभी बोला नेगेटिव साइन विद मैग्नीट्यूड बिकॉज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि उसका ट्रांसवर्स नेचर है इसलिए हमने उस पर नेगेटिव साइन लगाया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं आपको ये दोनों इक्वेशंस दोबारा से दिखाऊं, इन दोनों को अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटली लिखे हैं, अगर मैं इस रिलेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास एक ऐसा रिलेशन आएगा बी आर इज इक्वल टू वन बाय म्यू नॉट एंड वन बाय न्यू नॉट गिवन बाय के कैप क्रॉस ई आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, विच इन विच जो के आई है इट इज यूनिट वेक्टर लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। अब हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस आई हैं, सभी इक्वेशन में से इलेक्ट्रिक वेक्टर्स फिक्स्ड इन सेम डायरेक्शन बट मैग्नेटिक फील्ड नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और उसकी ओरिएंटेशन, द ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर एंश्योर्स दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। अब ये जो इक्वेशंस हमने निकाली है उसका सिर्फ हमने एक रिजल्ट लिखा है। अब हमने सबसे पहले इंसिडेंट वेव के लिए लिखा, फिर हमने रिफ्लेक्टेड के लिए लिखा, अब हम ट्रांसमिट वेव के लिए लिखेंगे। ट्रांसमिट वेव के लिए, क्योंकि वो कहां पे जाएगी, वो थ्रू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसके लिए हम सभी टर्म पॉजिटिव में लेंगे जो हमने इंसिडेंस के लिए ली थी, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स चेंज हो जाएंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है रहेगी सेम, सिर्फ यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी
के यहाँ पे ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वहां पे हम आई की बजाय लिखेंगे टी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव है, और के आई की बजाय लिखेंगे के टी। सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने 6 इक्वेशंस निकाली। 2 इक्वेशंस थी इंसिडेंस लाइट के लिए, 2 इक्वेशंस रिफ्लेक्टेड वेव के लिए, और 2 इक्वेशन ट्रांसमिट वेव के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जब इक्वेशंस लिखेंगे अलोंग इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिट वेव के लिए, तो हमें इन दोनों फील्ड्स को सेपरेटली लिखना होगा। तो कंक्लूजन का क्या आया, दीज रिलेशन डिटर्मिन द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कॉफिशियंट। इन रिलेशन को ही यूज करके हम ये कॉफिशियंट उनके निकालेंगे, एंड ऑल्सो इट इज यूज टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एल्फा एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज बीटा एंड रिफ्रेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन के बीच में जो रिलेशन है वो भी फाइंड करेंगे इन इक्वेशन को यूज करके, और उसके साथ साथ हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कॉफिशियंट भी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेजनल एम्पलीट्यूड रिलेशन। फ्रेजनल एम्पलीट्यूड रिलेशन इस एक्सप्रेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एंड इस रिलेशन को यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात करी गई है, तो हमें रिफ्लेक्टेड वेव एंड रिफ्रेक्टेड वेव के दोनों के जो एम्पलीट्यूड है उस पे बाउंड्री कंडीशन लगानी है, और एट एक्सिस एक्स एक्सिस जीरो, तो जो कंबाइंड फील्ड है टू द लेफ्ट मतलब कि मीडियम वन में, वो क्या होगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड, दीज मस्ट ज्वाइन द फील्ड टू द राइट। राइट में क्या है, ट्रांसमिटेड वेव, लेफ्ट में क्या है, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव, राइट में क्या है, ट्रांसमिटेड वेव। मतलब के अगर हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो रिफ्लेक्टेड वेव एंड रिफ्रेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड को के ऊपर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी। अगर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों फील्ड्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब नॉर्मल इंसिडेंस अगर बात कर रहे हैं कि जो इंसिडेंस है वो नॉर्मल इंसिडेंस है, तो वहां पे देयर आर नो नॉर्मल फील्ड कॉम्पोनेंट्स, कोई भी नॉर्मल फील्ड कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो वाई जेड प्लेन में हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। हमने जो लास्ट में जो इक्वेशन हमने नॉर्मल इंसिडेंस करा था, हमने उस पर लिखा था कि वाई जेड प्लेन हम काउंट करके चल रहे हैं और एक्स वहां पे जीरो होगा। इसीलिए अगर हम वाई जेड प्लेन काउंट करके चल रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में तो दोनों फील्ड जीरो होंगे, होंगे ही नहीं। इट मीन्स दैट जो भी इक्वेशंस हमने निकाली हैं, ओनली टेंजेंशियल कंपोनेंट आर अप्लाइड, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, ई नॉट इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड दोनों का सम विच इज इक्वल्स टू ट्रांसमिटेड कंपोनेंट, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू ट्रांसमिटेड कंपोनेंट। सिमिलरली फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, दो इक्वेशंस आ गई। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि जो बी बी वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू ई अपॉन न्यू वन, ई अपॉन न्यू। अब यहाँ पे इंसिडेंस है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इंसिडेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन न्यू वन था, क्योंकि मीडियम वन के लिए जो फ्रिक्वेंसी दैट इज न्यू वन। अब रिफ्लेक्टेड के लिए क्या है, आर और न्यू वन तो सेम ही रहेगी क्योंकि इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड इट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद अभी हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके लिखा है, कैसे लिखा है कि यहां पे न्यू वन और ये जो न्यू वन है ये कॉमन है तो हमने बाहर निकाल लिया, और न्यू म्यू वन एंड न्यू वन इन दोनों टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड ले आई, राइट हैंड साइड ले आई, इन दोनों को मैंने ज्वाइन करके लिखा। अब ये जो चारों चीजें हैं इन चारों टर्म्स को मैंने एक अनदर कॉफिशियंट्स के साथ लिखा दैट इज एल्फा, क्योंकि मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मुझे इन सभी टर्म्स को कंबाइन करके एक नई टर्म लिखनी है, तो मैंने लिखा अल्फा के साथ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी, दिस इज द वैल्यू फॉर अल्फा। अगर आप एप्सिलॉन की टर्म में लिखना चाहेंगे तो आपको रूट डालना पड़ेगा, अगर आप रिफ्रेक्टिव इंडिसेस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको न्यू की बजाय एन लिखना है। ये रिलेशंस हैं तीनों परमेबिलिटी के लिए एंड
रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के लिए। अब जो इक्वेशन आपने ली थी, देखिए मैं आपको दोबारा दिखाऊं, एक इक्वेशन थी फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिखा, एक ये इक्वेशन एक ये, जिन दोनों को यूज करके मैंने ये इक्वेशन निकाली। अब आप ध्यान में रखेंगे इक्वेशन नंबर वन, ये वाली इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन थ्री आप अपनी कॉपी में भी देखिए। अब यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है इंसिडेंस के लिए भी और रिफ्लेक्टेड के लिए भी, ई नॉट आई ई नॉट आर दोनों अलग से फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, अगर मैं इन दोनों को सम कर दूंगी, दोनों को ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास ई नॉट आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, ई नॉट आई फाइंड कर लूंगी। जो मेरे पास ई नॉट आई की वैल्यू आ जाएगी वो मैं किसी इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में पुट कर दूंगी। जैसे कि हमने लोअर क्लासेस में सीखा है मैथमेटिकल, जस्ट यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई हो रहा है, तो मैं जब इक्वेशन वन एंड थ्री दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगी, चाहे मैं फर्स्ट में करूं चाहे मैं थर्ड में करूं, तो मेरे पास ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। आप फाइंड भी करके देख सकते हैं। तो ये जो दोनों इक्वेशन आई हमने किसमें लिखा, रिफ्लेक्टेड वेव इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस वेव, ट्रांसमिटेड वेव इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट वेव। ये था हमारा इस फ्रेजनल एम्पलीट्यूड रिलेशन। अब इसके अलावा कुछ छोटी छोटी टर्म्स और हम पढ़ लेते हैं। फॉर मोस्ट ऑप्टिकल मीडिया जितनी भी परमेबिलिटीज वैल्यूज होती हैं वो इट इज वेरी क्लोज्ड टू द, दीज वैल्यूज आर क्लोज टू द वैल्यूज इन वैक्यूम। वैक्यूम के लिए हम सपोज कीजिए म्यू नॉट वैल्यू ले लें, तो जितनी भी अगर फर्स्ट मीडियम के लिए म्यू वन वैल्यू ली थी, सेकेंड मीडियम के लिए म्यू टू ली थी, इन दोनों की वैल्यूज को हम म्यू नॉट के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यूज बहुत ही क्लोज है म्यू नॉट की वैल्यू के साथ। तो उस केस में जो अल्फा वैल्यू थी, अल्फा का जो फॉर्मूला था वो क्या था, अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन न्यू वन अपॉन म्यू टू न्यू टू। इसमें म्यू वन भी म्यू नॉट है, म्यू टू भी म्यू नॉट है, तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, न्यू नॉट अपॉन न्यू वन। इसीलिए उस केस में अल्फा वैल्यू, दिस इज द एंगल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल विच इज इक्वल टू न्यू वन अपॉन न्यू टू, तो हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब इसी वैल्यू को, इसी इक्वेशन को अब मैं लिख सकती हूं कि मेरे पास जो एंगल आया है अल्फा एंगल, उसकी मेरे पास वैल्यू है न्यू वन अपॉन न्यू टू। अब ये तो होगी एंगल की बात। अब इक्वेशन जो ई नॉट आर लिखा था यहां पे, यही वैल्यू अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में भी पुट कीजिए, इस इक्वेशन में भी पुट कीजिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को एंगल की फॉर्म में तो हमने यहां पे लिखा, इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिखेंगे अगर हम यहां पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन न्यू नॉट अपॉन न्यू वन पुट कीजिए, ऊपर भी नीचे भी, तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। यहां पे भी पुट करेंगे तो ई नॉट टी की अनदर वैल्यू। तो देखिए ई नॉट आर की वैल्यू, जिसे मैंने अल्फा की जगह लिखा न्यू वन अपॉन न्यू टू, अल्फा की जगह लिखा न्यू वन अपॉन न्यू टू। अब यहां पे एलसीएम लेंगे, न्यू वन न्यू टू इज कैंसल आउट बाय न्यू टू, एंड यहां पे मेरे पास ये टर्म बचती है। ऐसे ही मैं ट्रांसमिशन के लिए भी लिखूंगी तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाता है। अब अगर इन दोनों के केसेस में आप देखो इक्वेशन यहां पे इक्वेशन नंबर सेवन एंड एट में, तो यहां पे अगर न्यू टू की वैल्यू बड़ी हो गई, न्यू टू की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यू वन, तो ये पूरी जो टर्म है वो पॉजिटिव रहेगी, तो उस टाइम हमें बोलेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है इट इज इन फेज किसके साथ, विद द इंसिडेंट वेव। अगर न्यू वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू न्यू वन, तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी, तो होल टर्म वुड बी पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे कि रिफ्लेक्टेड वेव इज इन फेज विद द इंसिडेंट वेव। लेकिन अगर न्यू वैल्यू जो है वो कम है, लेस एज कंपेयर टू न्यू वन, ये वैल्यू अगर बड़ी है तो जो टर्म है वो नेगेटिव आ जाएगी। तो मैथमेटिकली अगर नेगेटिव आई है तो उसे देख के हम बोलेंगे जो रिफ्लेक्टेड वेव है इट इज इन, इट इज आउट ऑफ द फेस, आउट ऑफ फेस विद द इंसिडेंट वेव। तो यही हमने यहां पे रिजल्ट लिखे हैं, व्हेन न्यू टू इज पॉजिटिव देन रिफ्लेक्टेड वेव विल बी इन फेस, न्यू वन पॉजिटिव देन इट इज आउट ऑफ फेस। अब हमने
एल्गल के फॉर्म में भी लिख दिया, इन फेस आउट फेस भी समझ लिए। अब हम एक और छोटी सी डेफिनेशन कर लेते हैं कि रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव को इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में भी लिखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सी बाय न्यू। अब इस सी बाय न्यू की वैल्यू आपको पुट करनी है उन्हीं दो इक्वेशंस में, दो इक्वेशंस में वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये दो वैल्यूज। अब ये नई डेफिनेशन हो गई। अब अगर हम इस इक्वेशन से ई नॉट आई को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो मेरे पास ये इक्वेशन आती है। ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखी, इस इक्वेशन से मैं आपको बताऊं, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासिस फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से अगर पास हो रही है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डेंसर मीडियम का है वो ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा है तो अगर आप वो रिलेशन देखोगे जो मैंने रेशियो निकाली थी वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो उस टाइम हम क्या लिखेंगे कि रिफ्लेक्टेड वेव इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। लेकिन अगर वो रेशियो पॉजिटिव आती है तो वहां पे कोई फेस चेंज नहीं होगा। अगर देखिए यहां पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखा, ये एक डेफिनेशन है, यहां तक ये डेफिनेशन खत्म हो गई। अब मुझे इन दोनों का रेशियो लेना है, मतलब इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रही हूं। अब इस केस में मुझे देखना है कि एन वन बड़ा है कि एन टू बड़ा है। अगर एन टू बड़ा है, एन टू बड़ा होने का मतलब क्या है, एन टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डेंसर मीडियम, मीडियम टू, मीडियम टू के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू ले रहे हैं और मीडियम टू क्या है, डेंसर मीडियम। तो हम उसमें लाइन की फॉर्म में क्या लिखेंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और ये रेशियो मैथमेटिकली नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है तो हमें पता है कि रेशियो अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये आउट ऑफ फेस रहेगा। अगर ये रेशियो पॉजिटिव आता है, मतलब पॉजिटिव कब आएगा, अगर इंसिडेंट वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो उस टाइम ये रेशियो पॉजिटिव रहेगा और कोई फेस चेंज नहीं होगा। यहां पे फेस चेंज का भी हमने जो डेफिनेशन है वो खत्म कर दिया। अब एक और डेफिनेशन, कॉफिशियंट्स, कॉफिशियंट्स रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट, ट्रांसमिशन कॉफिशियंट। रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टिव इंटेंसिटी टू द इंसिडेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज रिटन बाय आई, आई आर अपॉन आई आई। ट्रांसमिशन क्या होगा, ऊपर ट्रांसमिशन लिखे नीचे वैल्यू सेम, अगर R लिख रहे हैं तो ऊपर R आएगा, T लिख रहे हैं तो ऊपर T आएगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वो सेम रहेगी। एंड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एवरेज पावर पर यूनिट एरिया विच इज गिवन एज हाफ न्यू ई स्क्वायर, इसी फॉर्म को हम यहां पे लिख रहे हैं। तो अगर हम यहां पे इंटेंसिटी का फॉर्मूले पे अप्लाई कर रहे हैं तो जो R वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एन वन माइनस एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू का होल स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को यूज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एन टू अपॉन एन वन एंड दिस वैल्यू। ये जो कॉफिशियंट्स हैं, कॉफिशियंट्स की ये दोनों डेफिनेशन हैं, जस्ट इंटेंसिटी को हमने एक अनदर डेफिनेशन के साथ रिजॉल्व कर दिया है। तो हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, मैं आपको एक गो थ्रू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, तो उस केस में हमने क्या करा कि जो लाइट है वो एयर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो उस केस में हमने मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस को यूज करा बारी बारी कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही है तो उस टाइम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो उसके लिए दो इक्वेशंस फाइंड करी, अगर वो पैरेलल है उसके लिए दो अलग से इक्वेशंस फाइंड करी। ठीक है, उसके बाद हमने करा अगला टॉपिक, दैट इज नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल इंसिडेंट कर रहे हैं तो हमने वाई जेड प्लेन लिया जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव जा रही है अलोंग द वाई एक्सिस, तो उसके लिए हमने इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव निकाली, उन दोनों को यूज करके हमने ट्रांसमिशन जो ट्रांसमिटेड वेव है वो उसके लिए इक्वेशन फाइंड करी। उसके बाद हमने एक और टॉपिक किया, दैट इज फ्रेजनल एम्पलीट्यूड रिलेशन। इसके लिए हमने क्या एक्सप्रेशन फाइंड करे, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड फाइंड करा रिफ्रैक्टिव वेव के लिए भी, इंसिडेंट वेव के लिए भी, ट्रांसमिटेड वेव के लिए, मतलब कि इंसिडेंस वेव को यूज किया और हमने फाइंड करा रिफ्लेक्टिव एज वेल एज ट्रांसमिटेड वेव। तो उसके लिए हमने इक्वेशन हमारे पास
जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 आप देख रहे हो यहीं तक ये टॉपिक खत्म है, लेकिन अब छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशंस हैं वो हमने आगे ये लिखी हैं, परमेबिलिटीज की फॉर्म में, एक एंगल की फॉर्म में, उसके बाद हमने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखा, उसके बाद में हमने इन रेशियोज को फाइंड करा कि अगर लेयर से डेंसर मीडियम में है तो क्या रिलेशन होगा, डेंसर से लेयर मीडियम तो क्या रिलेशन होगा, क्योंकि ये इक्वेशन ही यूज करते हैं रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, जो हमने फर्स्ट टाइम जो वीडियो स्टार्ट की थी तभी हमने बताया था। उसके बाद हमने अनदर डेफिनेशन करी, रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट एंड ट्रांसमिशन कॉफिशियंट। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है तो, और वीडियो कौन सी आपको जल्द से जल्द चाहिए आप लिखते रहिए हमें, और हम बारी बारी उसी वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियोस एक दिन में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करें ताकि आपको वेट ना करनी पड़े। बस ये है कि प्रेपरेशन के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको वेट ना करनी पड़े। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।